अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग सिविल 104, चैप्टर नंबर 2, कंपास ट्रेवर्सिंग, जिसकी हमने 2.1 और 2.2 दो न्यूमेरिकल्स जो हमने कर लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 2 के एग्जांपल नंबर 2.2 से, सॉरी 3 से। ठीक है, 2.2 भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो 2.3 हमारे पास जो है एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये हमारे पास है, फाइंड द होल सर्कल बेयरिंग्स। ठीक है, WCB हमने जो है वो फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन रेडियस बेयरिंग। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ये दिया गया है डाटा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें जो आपके पास ये बेयरिंग्स दी गई हैं, लाइन AB, ठीक है, BC, CD, DE, EF और FG की, ये सारी की सारी बेयरिंग्स जो आपकी हैं, इसमें 60 डायरेक्शंस लिखी गई हैं। ठीक है, इसकी बेस पर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो मतलब आपकी डायरेक्शंस लिखी गई हैं, तो ये आपके रिड्यूस बेयरिंग्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन रिड्यूस बेयरिंग्स को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी तरह का एक टेबल तैयार करेंगे और मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह से सोल्व आउट करना है। तो ये आपका जो है सिविल, ठीक है, 104 जो आपकी बुक है, ठीक है, और आपका जो है ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक हो गया, और जिसका जो आप एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी है एग्जांपल नंबर 2.3। तो यहाँ पर हम होल सर्कल बेयरिंग टू रिड्यूस बेयरिंग या रिड्यूस बेयरिंग टू होल सर्कल बेयरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो ये रिड्यूस बेयरिंग टू होल सर्कल बेयरिंग हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारे पास जो बेयरिंग्स दी गई हैं, मैं इसको सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ कि हमारे पास कुछ लाइंस हैं। ठीक है, तो लाइंस के अलावा मैं पहले पूरा एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो ये जो टेबल हमारे पास है यहाँ पर, जिसमें एक तो हमारे पास आ जाएंगी, इसमें लाइन आ जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी लाइंस हैं हमारे पास। ठीक हो गया, लाइंस के हवाले अलावा हमारे पास रिड्यूस पेयरिंग्स दी गई हैं हमें। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ये टेबल आपने जो बनाना है। इसके बाद आपके पास इसमें ना क्वाड्रेंट आ जाएंगे, क्वाड्रेंट आपने बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में है ये। ठीक है, लाई करते हैं, और फाइनली आपने इसको जो है होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया, तो ये टोटल आपका जो है सोल्यूशन बनेगा इसका। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाइन AB के हवाले से। ठीक है, तो लाइन AB की बेयरिंग, अब हम यहाँ पे बेयरिंग्स बनाते हैं, तो हमारे पास है लाइन AB। ठीक है, लाइन AB की बेयरिंग है 85 डिग्री 30 मिनट। ये माइनस का साइन नहीं है ये, ठीक है, डैश डाला गया, तो ये आ जाएगा आपका 85 डिग्री, ठीक है, एंड 30 मिनट, और डायरेक्शन आपकी है नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद आती है लाइन आपकी BC, जो आपको दी गई है 82 डिग्री, ठीक हो गया, एंड 30 मिनट साउथ ईस्ट। ठीक हो गया, उसके बाद लाइन CD आपके पास है यहाँ पर 2 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, साउथ वेस्ट में आ गई। और जो आपकी लाइन DE है, ठीक है, ये टेबल सिर्फ आपको याद करना है, छोटा सा लाइंस है रिड्यूस बेयरिंग, जिसको आप हो सकता बेयरिंग में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आ जाती है CD के बाद आपकी लाइन DE, जिसकी बेयरिंग है 88 डिग्री 45 मिनट, 88 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट, और ये है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाती है हमारे पास EF, तो लाइन EF की बेयरिंग है 5 डिग्री 15 मिनट, 5 डिग्री 15 मिनट साउथ वेस्ट। ठीक हो गया, और लास्ट हमारे पास है FG। तो स्टूडेंट्स जो है इसकी लास्ट बेयरिंग हमने फाइंड करनी है, तो FG की बेयरिंग हमारे पास 45 डिग्री है और 0 मिनट है। ठीक है, और ये हमारी है नॉर्थ वेस्ट। ठीक हो गया जी, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके मुताबिक हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा हमें जो है इस पोर्शन का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसके फॉर्मूले आपने एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपकी जो लाइन AB की बेयरिंग है, ठीक है, लाइन AB की बेयरिंग जो आपके पास है नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप एक साइड पे क्वाड्रेंट बना लें तो आपको एक पहचान हो जाएगी कि ये नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट।
अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है। सेकंड आपका साउथ ईस्ट में होता है, थर्ड आपका साउथ वेस्ट में, और फोर्थ आपका नॉर्थ वेस्ट में होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर आपका 85 डिग्री 30 मिनट जो है ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, इट मीन्स ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। और अगर आप साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। और जो आपका 2 डिग्री 30 मिनट साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, उसको भी इसके साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह साउथ वेस्ट आ गया, फिर से आप देखें थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप क्वाड्रेंट्स के हवाले से बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है ये 0 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री के अंदर लाई करता है, ठीक है। अगर हो सके बेरिंग में बात की जाए तो 0 से 90 डिग्री के अंदर लाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फॉर्मूला देखना है कि रिहोसक बेरिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू रिड्यूस बेरिंग। तो जैस जितनी आपकी हो सके बेरिंग होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतनी ही रिड्यूस बेरिंग, तो सो आपका ये 85 डिग्री, ठीक है, एंड 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा विदाउट मेंशन द डायरेक्शन। आपने इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी। नंबर टू आ जाता है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी जो सिमत है, डायरेक्शन है, वो साउथ ईस्ट है, तो ये आपका 91 डिग्री टू 180 डिग्री के दरमियान में लाया करेगा, ठीक है, हो सके बेरिंग में, इसके अंदर आपकी ये बेरिंग आनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि अगर ये वाली बेरिंग आपकी 180 से छोटी है, डेफिनेटली आपको इसमें 180 ऐड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। यानी ये 180 के अंदर अंदर आपकी बेरिंग होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, सिंपल सी बात है कि 180 से छोटा है, आपने ये देखना है कि ये बेरिंग हमेशा 180 से छोटी होगी, क्योंकि रिड्यूस बेरिंग 0 से 90 के दरमियान में लाई करती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जितनी भी आपकी रिड्यूस बेरिंग होगी, ठीक है, उसमें आपने ऐड करना है 180 डिग्री को, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इसमें अगर आप सॉरी आपने 180 इसमें से ऐड नहीं करना, बल्कि आपने सॉरी 180 डिग्री में से इसको माइनस करना है, ठीक है, वो मैं आपको एक वजह बताता हूँ। देखिए 180 डिग्री टोटल है, इसमें से जब आप रिड्यूस बेरिंग माइनस करेंगे तो आपको ये बेरिंग 180 के अंदर अंदर मिलेगी। अगर आप 180 से अबव कर देंगे, इसमें 180 ऐड करेंगे, तो ये तो 180 से बढ़ जाएगी, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर पाएगी। आपने 180 में से इस बेरिंग को माइनस करना है, सो आपने 180 डिग्री, ठीक है, एंड माइनस करना है आपने इसमें से 82 डिग्री और 30 मिनट। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये डैश है, ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं है। अब इसको आपने कैलकुलेटर पे इस तरह से सोल्व करना है कि आपने लिखना है 180 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा 180 डिग्री, इसमें से आपने माइनस करना है 82 डिग्री, ठीक है, और फिर आपने इसके साथ ही 30 लिख के सेकेंड टाइम डिग्री प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिग्री सेकेंड टाइम मिनट बन जाएगी, ठीक है। अब आपने इक्वल प्रेस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 97 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट। तो ये है आपका इसका जो है सेकंड इसका आंसर आ गया। उसके बाद लाइन सी डी की बेरिंग आपकी 2 डिग्री 15 मिनट, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। थर्ड में आपने इसको, यानी वो होता है आपका साउथ वेस्ट, तो ये आपका 181 टू 270 डिग्री में लाया करेगा। इसका मतलब है ये 180 से बड़ा होना चाहिए। अब आप इसमें 180 ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका कि हो सके बेरिंग इज इक्वल टू, उसमें आपने क्या करना है कि 180 डिग्री ऐड करना है रिड्यूस बेरिंग में, चाहे वो आपकी कितनी भी हो, क्योंकि रिड्यूस बेरिंग 90 से, ठीक है, 90 से छोटी होती है, 90 के दरमियान में होती है, आपने इसमें 180 डिग्री ऐड कर देनी है। तो रिड्यूस बेरिंग आपकी कितनी है, 2 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, इसमें आपने ऐड करना है 180 डिग्री, तो डेफिनेटली 182 डिग्री 15 मिनट बनेगा। ये आप देखते हैं 2 डिग्री 15 मिनट सेकंड टाइम डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो हम देख सकते हैं इसका आंसर 182 डिग्री, ठीक है, एंड 15 मिनट। तो ये आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट का भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी जो डिग्री है वो नॉर्थ वेस्ट में होगी, तो ये बेसिकली आपकी जो डिग्री होती है ये 271 डिग्री टू 360 डिग्री के दरमियान में लाई करती है इन होल सर्कल बेरिंग में।
क्योंकि रिड्यूस बैरिंग में तो सारी डिग्रीज आपकी 90 डिग्री तक के अंदर होती है, 90 से अबव कोई डिग्री नहीं बनती इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी रिड्यूस बैरिंग है, तो 85, 82, 2, 88, 5, 45, इसमें कोई भी ऐसी बैरिंग नहीं है कि जो 90 को अप्रोच कर रही हो, ठीक है। ये सारी की सारी डिग्री 90 डिग्री से छोटी होती हैं ये बैरिंग्स। अब आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, तो आपने 360 में से इसको माइनस करेंगे, तब आप 360 के अंदर लाई कर सकेंगे। इसमें 180 ऐड करेंगे तो 271 को भी अप्रोच नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें 180 ऐड करते हैं तब भी ये वैल्यू इतनी नहीं बनेगी, कम रहेगी। आपने हो सके बेरिंग जो बनानी है, रिड्यूस बेरिंग को कन्वर्ट करना है, तो आपने 360 डिग्री में से माइनस कर देनी है अपनी ये वाली बेरिंग, 88 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 360 डिग्री, ठीक है, माइनस 88 डिग्री एंड 45 मिनट, तो ये बेरिंग हमारी 271 डिग्री 15 मिनट बन जाएगी। इसका हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वार्टर में देखिए, ये 271 डिग्री 15 मिनट अभी 360 में से माइनस करके आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके अंदर अंदर अप्रोच कर रही है। अब देखते हैं 270 से 15 मिनट बड़ी है थोड़ी सी, ठीक है। अब आता है 5 डिग्री 15 मिनट साउथ वेस्ट, ये भी थर्ड क्वार्टर की तरह है, इसमें भी आप देखें कि ये आपकी 180 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इसमें 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो हो सके बेरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रिड्यूस बेरिंग में आपने ऐड करना है 180 डिग्री। तो पहले देखते हैं रिड्यूस बेरिंग कितनी है आपकी, 5 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना फार्मूला लिख लेना है कि इसका फार्मूला है रिड्यूस बेरिंग आपने 360 डिग्री में से माइनस करनी है, ठीक है। इसका फार्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना है इसको, यानी कि रिड्यूस बेरिंग की बेरिंग लिखती है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, फार्मूला नहीं लिखा। इसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएगा इसमें 180 डिग्री, तो ये भी वही आपका बन जाएगा 185 डिग्री 15 मिनट, ठीक हो गया। डायरेक्शन यहाँ पे आपने मेंशन नहीं करनी। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो हो सके बेरिंग इज इक्वल टू बिल्कुल एज इट इज, जिसको मैं फार्मूला नहीं लिख सका, मैं यहाँ बता देता हूँ, 360 डिग्री माइनस रिड्यूस बेरिंग, ठीक है। तो अब 360 डिग्री में से आपने माइनस करना है 45 मिनट, ठीक हो गया। तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस, अब ये 45 मिनट जो है सिंपल, सॉरी 45 डिग्री 0 मिनट है, सॉरी, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 45 डिग्री को, तो ये 315 डिग्री बनेगी, यानी कि 315 डिग्री और 0 मिनट तो एज इट इज ही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फोर्थ क्वार्टर पे ये 315 डिग्री जो है इसके दरमियान में लाई करती है, ओके, हो सके बेरिंग में। तो पहले वाली जो हो सके रिड्यूस बेरिंग है उसको कन्वर्ट किया तो ये हमारी बन गई हो सके बेरिंग, दूसरे वाले को हमने कन्वर्ट किया तो ये बेरिंग बन गई, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाले में हमने ये बेरिंग बना ली, फोर्थ वाले में आपकी बेरिंग जो है वो ये बन गई, फिफ्थ वाले में आपकी ये बेरिंग बन गई, और लास्ट वाला जो बेरिंग्स है पॉइंट हुई आगे लाइन ए बी सी, ठीक है। इन सब को आपने सॉल्व किया, ये एक ओपन ट्रेवर्स है, ठीक हो गया। तो कंपास रिवर्सिंग में इस टॉपिक पे आपने रिड्यूस को हो सके बेरिंग में बेसिकली कन्वर्ट करना था। यहाँ पर आप रिड्यूस बेरिंग्स दी गई हैं और आपने हो सके बेरिंग्स बनानी है। तो यहाँ पर बनाने बताने का मकसद जो होता है कि रिड्यूस बेरिंग जितनी भी बेरिंग्स होती हैं वो 90 डिग्री तक होती हैं, और हो सके बेरिंग में इनके क्वाड्रेंट होते हैं, अगर फर्स्ट में है तो ये यानी 0 से 90 तक लाई करती है, सेकंड में 91 टू 180, और थर्ड में 181 टू, ठीक है, 270, और फोर्थ में 271 टू 360 डिग्री तक लाई करती हैं, ये सारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और वीडियोस में कमेंट्स भी करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मुझसे शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।